ही बस तक और 100% मोदी जी की गारंटी काम आएगी। हम सरकार बनाने जा रहे हैं, कांग्रेस बुरी तरह अपने कार्यों से और जिस तरह से इनके क्रियाकलापों का भंडाफोड़ हो रहा है वो पूरी तरह हारने वाली है। अब तो दो बातें एकदम स्पष्ट हो गई कि तय है कि भूपेश सरकार भ्रष्ट है और भूपेश बघेल पक्का क्या कहते पाटन से हारने वाले हैं। जिस तरह से कल वीडियो आए हैं, जिस तरह से क्या कहते महादेव बुक के ऐप बुक्स के जो मालिक है उन्होंने की कहा है कि मैंने भूपेश बघेल और उनके बेटे को 500 करोड़ से ज्यादा रकम दिया है, वो तो कांग्रेस की नैया को डुबो रही है। कांग्रेस को उभरने का कोई गुंजाइश है नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ में शर्मसार हो गया। छत्तीसगढ़ सत्ता की रवीन जी, ये महादेव ऐप की जो आप बात कर रहे हैं वहां पे असर करेगा बस्तर में, क्योंकि आप बस्तर में धर्मांतर का मुद्दा लेकर चल रहे थे, बस्तर में आपके तमाम जो बड़े नेता है वो धर्मांतर के मुद्दे पे बात कर रहे थे वहां पे। नहीं, मैंने कहा ना कि तमाम जो मुद्दे पहले के थे वो तो है ही, अब उस पे भी बोलते हैं ना क्या कहते हैं कब्र पे अंतिम कील ठोकना, इस तरह की हरकतें हो गई। बस्तर में जो मुद्दे थे पहले से, धर्मांतरण के मुद्दे हो, चाहे वहां की सड़क की व्यवस्था हो, चाहे नक्सली का, अभी हमारे एक मतलब कार्यकर्ता दुबे को मार दिया गया, उसके पहले अगवा कर दिया गया, तो वो तो मुद्दे हैं ही। मैंने कहा जब आदमी का बुरा दौर आता है ना तो बुरा दौर ही चलता रहता है, और जब अच्छा दौर आता है तो जेल के दरवाजे खुल जाते हैं, नर्मदा नदी उफनती हुई नर्मदा नदी मार्ग दे देती है। वैसे ही भाजपा के लिए और छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए बहुत अच्छा दौर आने वाला है कांग्रेस की, क्योंकि लुटिया डूब रही है। कहा ये जो घटना दौर आएगा साहब, ये बात मान लीजिए जनता का समय आ गया है और ये जनता का दौर माना जाएगा। मैं एक लाइन कह रहा था, आज मुझे बस्तर से एक बड़े अधिकारी का फोन आया जो पोस्टेट है, मैं नाम नहीं बताना चाहता। उन्होंने स्पष्ट मुझे कहा 11 बजे यारी वाला जो भूपेश बघेल वाला मैटर है तो पूरे बस्तर में चल रहा है। क्या है आज सोशल मीडिया का दौर है, ना जंगल ना झाड़ी ना शहर ना गाड़ी, पूरा सब एक मिनट में वायरल हो जाता है। बस्तर के लोग भी जागरूक है, वो भी जान गए उनके।